नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं नवरात्रि के ऊपर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और दुर्गा जी की प्रतिमा भी डाउनलोड कर ली है, बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर लिए है। इसमें हम जो अदर मटेरियल यूज करने वाले है यानी सभी मैंने डाउनलोड कर लिया है। और ये जो नवरात्रि का टेक्स्ट है इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है, फिर इसमें कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में कंट्रोल की प्रेस करते हुए बिल्कुल वर्गाकार में ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करने के बाद कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसमें हम पहले बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, फिर मैटर सेट करेंगे। बैकग्राउंड हमारे पास उपलब्ध है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया है बिल्कुल फ्री के अंदर, और इसके ब्राइटनेस कंट्रास्ट को भी सेट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे और इसका जो ये ब्राइटनेस है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और कंट्रास्ट भी और बढ़ा देते हैं। इसको मैं लाइट रखता हूँ, थोड़ा सा कम रखेंगे, या फिर क्या करें, ये जो ब्राइटनेस है इसको मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, और फिर सिंपली ओके कर देंगे यहाँ से ओके बटन पर। अब मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ और इसी रेक्टेंगल में कर देंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं और फिर इसके टॉप और बॉटम साइड से ये जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट किया हुआ है इसको सेट कर लेते हैं। और इसके टॉप साइड में चाहें तो आप एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसमें हम कलर भी फिल कर लेते हैं। तो यही फ्लावर का कलर हम इसमें फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, कलर आई ड्रॉपर टूल यहां से सिलेक्ट करेंगे। सिंपली मैं कलर यहां से पिक करता हूं और इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यही सेम कलर इसमें अप्लाई हो जाता है। अब इस डिजाइन को मैं शिफ्ट के साथ कर लेता हूँ पेज अप, और इस रेक्टेंगल को चाहे तो आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसे लाइट कलर फिल करें या डार्क कलर फिल करें। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ येलो कलर, जिसमें 20% मैजेंटा भी मिक्स है। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं रिपीट एंड मिरर, फिर इस पॉइंट्स को सेंटर में लाएंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। वैसे ये कलर उतना परफेक्ट तो नहीं लग रहा है, इस बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा लाइट करते हैं तो ये बॉर्डर ज्यादा सही लगेगा। तो इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ। तो उसके लिए पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, इफेक्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है एडजस्ट, इसके अंतर्गत आपको मिल जाता है टोन कर्व, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको टॉप साइड में ले जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइट कलर देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ से कर देंगे ओके, फिर इस रेक्टेंगल को मैं बॉटम साइड में कॉपी कर लेता हूँ, यही सेम रेक्टेंगल कॉपी करेंगे और फिर इस बॉर्डर को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप और यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसी रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। अब इतना डिजाइन तैयार करने के बाद दुर्गा जी की प्रतिमा में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप, इसकी साइज में और बढ़ा देता हूँ और इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज भी करेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर देते हैं फ्लैट बॉटम राइट और फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, इसको कर लेते हैं 30, वैसे 25 करते हैं, ये अधिक हो गया है, 25 सही रहेगा। कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक पार्ट और इसको कर देते हैं बिट मैप। तो बिट मैप मेनू में जाएंगे और यहां से कर देते हैं कन्वर्ट टू बिट मैप, इसको मैं 300 dpi पर बिट मैप कर देता हूं। फिर टॉप साइड से इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, सिंपली टॉप साइड से ट्रांसपेरेंट कर दें और दुर्गा जी के बैक साइड में हम कुछ डिजाइन सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको मैं कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेता हूँ।
फिर इसका नोड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाता है। इसको सेंटर में लाएंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर इसका हम डुप्लीकेट करेंगे, तो कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके मैं रिपीट करा देता हूँ। रिपीट कराने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं बेल्ट पर क्लिक, तो ये एक में बेल्ट हो जाता है। इसकी साइज और छोटी कर लेंगे, मैं इसमें फिल कर लेता हूँ ऑरेंज कलर, आउटलाइन नन करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फंक्शन ट्रांसपेरेंसी, और फिर यहाँ से कर लेते हैं एलिप्टिकल। अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ डार्क येलो कलर, और फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे रोटेट करके, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से रोटेट करने के बाद इसका डुप्लीकेट भी कर देंगे, और इसका कलर मैं और भी लाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से लाइट येलो कलर फिल कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क ही रखेंगे, ये सही रहेगा। फिर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और दुर्गा जी की प्रतिमा को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज अप। उसके बाद इन सभी बचे हुए मैटर को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूं और यहां पर सेट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप। जय माता दी को मैं सेंटर में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे और इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और नवरात्रि का जो कलर है इसको मैं करता हूँ ब्लू। तो कलर पैलेट में जाएं, सिंपली यहाँ से ब्लू कलर फिल कर लें, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और बॉटम साइड से मैं मैजेंटा कलर फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर का इफेक्ट मिल जाता है। अब इसमें हम आउटलाइन भी लगा देते हैं, तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं आउटलाइन लगा देता हूँ 2 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से 5, ओके, और यहाँ से कर देते हैं राउंड और सिंपली यहाँ से कर देंगे ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 पॉइंट का आउटलाइन लग चुका है। अब इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज भी कर लेते हैं, तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत, और यहाँ से कर लेते हैं फ्लैट बॉटम राइट। अब इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं फिल कर लेता हूँ डार्क ऑरेंज कलर, या फिर क्या करें इसमें अगर आप डार्क मैरून कलर फिल कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। रेड कलर फिल करेंगे यहाँ से कलर पैलेट से, फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं ब्लैक इसमें मिक्स कर देता हूँ 60%, ओके 50% कर लेते हैं, ये सही रहेगा। उसके बाद ये जो डिजाइन है इसका कलर मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, और इस डिजाइन को हम बॉटम साइड में भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये जो बॉटम साइड का पार्ट बच रहा है जिसके तरफ से शुभकामना दिया जाएगा उसकी फोटो और उसका नेम यहाँ पर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पर जो फोटो हमें सेट करना है मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है वो भी सेलेक्ट हो जाता है, बाकी सभी मैटर जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब सिंपली इस पर माउस राइट बटन क्लिक करेंगे और कर देते हैं यहाँ से पावर क्लिक इनसाइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।